निगरान वज़ीरे आज़म अनवारुल हक काकड़ की इमाराती रियासतों के दौरे के दौरान मसरूफियात जारी हैं। अनवारुल हक काकड़ को COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए हैं। निगरान वज़ीरे आज़म आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीरे आज़म की मसरूफियात पर देखिए ये रिपोर्ट। अनवारुल हक काकड़ अक़्वामे मुत्तहिदा के COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवादुल नईमी ने निगरान वज़ीर आज़म और उनके वफद का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म 1 और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुवैत की फर्स्ट डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल सबा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और बरादराना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फायदेमंद इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करके मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद से भी मुलाकात की। कुवैती वली अहद ने अनवारुल हक काकड़ से बातचीत में पाकिस्तान कुवैत ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म के दौरा कुवैत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ खुराक ज़राअत पनबिजली मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के 7 माहदों और 3 मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए।